हेलो दोस्तों, मेरा नाम मन है। आप देख रहे हैं मन इलेक्ट्रॉनिक। तो भाई आज की वीडियो में यहाँ पर जो हमारा 6283 ऐसे वोड होता है, इसके हम ट्रेवल कम करने वाले हैं। यहाँ पर इसका एक ही कंपोनेंट की मदद से यहाँ पर हम इसका ट्रेवल कम कर सकते हैं। यहाँ पर बेस कम नहीं होगा, आपका बेस वैसे के वैसे ही रहेगा, लेकिन इसका ट्रेवल कम हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसके लिए यहाँ पर 104 जो PF होता है उसको यूज कर रहा हूँ। जैसे ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर 104 PF मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर जो इसका आइडियो इन होता है, यहाँ पर हम दोनों को एक में शॉर्ट कर देंगे इसके PF की मदद से। यहाँ पर ये जो दोनों लग यहाँ पर इसके एक ग्राउंड में एक यहाँ वहाँ पर ये आइडियो होता है, यहाँ पर हम दोनों को इस तरह से सोल्ड कर देंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक इसका ट्रेवल कम हो जाएगा, जैसा कि आप सभी को मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर मैं PF को सोल्ड नहीं करूँगा, जो 104 PF यहाँ पर मैं सोल्ड नहीं करूँगा, आप सबको वैसे ही दिखाऊँगा ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको अच्छे से साउंड का पता लग जाएगा किस तरीके से चेंज गया साउंड में। तो भाई चलो यहाँ पर मैं वॉल्यूम को तेज कर लेता हूँ। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेवल कम हो गया। यहाँ पर जैसे मैं 104 PF को हटाता हूँ, इसके बाद देखना इसका अपने आप ही ट्रेवल बढ़ जाएगा। जैसे कि आप ही देख सकते हैं यहाँ पर कम हो गया। तो भाइयों इस तरीके से यहाँ पर जो ये जो हमारा 6283 ऐसे बोर्ड होता है उसका यहाँ पर हम ट्रेवल कम कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक PF की मदद से यहाँ पर हम शॉर्ट कर देंगे, इसका ट्रेवल कम हो जाएगा। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आप सबके सामने मैं करके दिखाया। तो भाई ये 100% वर्क करता है। तो भाई अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।